नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे, जो एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। ये ब्रेकआउट अभी यहाँ पे इस आपको दिखाएंगे, ब्रेकआउट आया है उसमें, यहाँ पे उस पर खड़ा है थोड़ा सा, यहाँ पे उसका जो जो जोन है उससे वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक रिलेटेड में आता है इसका, पी देख सकते हैं इसका सेक्टर का, ये सेक्टर है उसका। थोड़ा सा नीचे आते हैं काफ़ी, मेरे ख्याल से ये अभी बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा मूवमेंट पकड़ चुका है। इंट्राडे का देखिए, यहाँ पे 66 पे गया था और लो देखिए यहाँ पे 12 था और हाई था 66, यानी ये हाई था उसका। मैंने कहा था ना आपको, ब्रेकआउट आ गया है इसका, ब्रेकआउट जोन से ऊपर निकल चुका है। चलिए कुछ दिनों में परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका, एक दिन में देखिए थोड़ा सा प्लस है, लगभग 9 के करीब है, 0 पॉइंट है एक वीक में, 1% है एक मंथ में, ओ 38% है एक साल में। अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा रिटर्न दिया है इस तरीके से। वो भी अच्छी मैक्सिमम देखे, वो भी अच्छा रिटर्न दिया है, तो अच्छी बात है, आंकड़े बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट और फाइनेंशियल देख लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉफिट के बारे में बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, शेयर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही देखना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने भी कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि कुछ कंपनियां ऐसे होती कि वो अक्सर इस तरीके से अप होती है, यानी यहाँ से इसे ऊपर चलती है। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, आपने समझ में, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट नहीं क्या इस तरीके से, तो हो गई। चलो अब देख लेते हैं ब्रेकआउट कैसे है, चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो ये चार्ट है, कुछ हमने एक बॉक्स बना के रखा वाला है, जो कि इसमें आपको लो भी आपको दिखाई दे रहा होगा और हाई भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और कुछ अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो अप्रैल से लेके सब 14 सितंबर के बीच में आपको इसकी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपने हमें यहाँ पे बताने की कोशिश की है, यहाँ पे इसका देख सकते हैं, ये लो देख सकते हैं, लो लगभग 134 का था, यानी 134 का लो था इसका। और हाई देखिए तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हाई 166 का है, यानी जो भी अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे थोड़ी देर काफ़ी देर रुका रहा, फिर से इसने थोड़ा सा मूवमेंट पकड़ लिया इस तरीके से, नहीं क्या। अब ये ब्रेकआउट जोन से यहाँ पे थोड़ा सी मूवमेंट हो चुकी है, यहाँ पे इस तरीके से, नहीं क्या, ये इस तरीके से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। अब ये जो ब्रेकआउट जोन है इसके ऊपर चला जाता है, तो मेरे ख्याल से टारगेट आपको यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको यहाँ पे टारगेट जो मिलेंगे इसका, अगर ये ब्रेकआउट जोन से ये ऊपर चला जाता है तो इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे 167 के, मुझे 167 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है इसके लिए, ये जो एनटीपीसी के लिए बहुत बढ़िया से बात है। तो हो सकता है कि अक्टूबर या इस आपको दीपावली तक इसके टारगेट आपको 60, यहाँ पे 176 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इस जोन में, क्योंकि जहाँ जहाँ इसने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी रेंज नीचे थी, नहीं क्या, लेकिन ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट मिलने के बाद ये स्टॉक इस तरीके से राइजिंग हो चुका है। और जब ये यहाँ पे आया था लगभग 100 पिछली बार 100, तो यहाँ से ये नीचे आया था ऐसे धड़ल्ले से, ये नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने 40 पे, और 40 पे सपोर्ट लेने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से धड़ल्ले से नीचे आया। तो ये जोन काफ़ी बेहतरीन जोन है, जो कि ये जोन हम कह सकते हैं कि ये, और अभी यहाँ पे अभी है, तो इस प्राइस जोन की जो बात करेंगे हम, तो इसमें 66 का है। अगर इस ब्रेकआउट मिला तो आपको यहाँ पे टारगेट, ये टारगेट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये जोन से उसने ऊपर उठने की कोशिश की और उसे ब्रेक कर दिया, तो काफ़ी काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे टारगेट इसके जो मिलने वाले हैं आपको टारगेट,
तो लगभग आप यहाँ पे यही मिलने वाले हैं कि आप यहाँ पे 176 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ दिनों में। अगर नीचे आया तो हो सकता है कि धड़ल्ले से थोड़ा सा नीचे आने के बाद धड़ल्ले से आपको 134 तक भी जाने को देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट काफ़ी दी है, तो हो सकता है कि इस तरीके से सपोर्ट लेके वो ये ऊपर चला जाए। तो एंट्री कहाँ पे लेंगे? एंट्री यही टाइम हो सकता है एंट्री का, या फिर आप एंट्री का टाइम थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे आने के बाद भी थोड़ा सा ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ले सकते हैं, लेकिन सही टाइम मुझे यही लग रहा है 166 पे आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी राइजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये यहाँ से सपोर्ट मिलने के बाद ये ऊपर चला गया, इसमें थोड़े से छोटे स्विंग भी आ चुके हैं, कम ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन राइट एंट्री मुझे ख्याल से 166 पर ही होनी चाहिए। 10 रुपये का टारगेट सेट करके, और स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं 5 रुपये का, 56 तक का स्टॉप लॉस आप हिट कर सकते हैं, या 48 का भी कर सकते हैं, या फिर 52 का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी दिनों तक आपको ये स्टॉक अभी यहाँ पे मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ब्रेकआउट जोन इसमें आ चुका है, इसका तोड़ चुका है, ये पिछला जो कि हाई था उसका तोड़ने के बाद ये ऊपर जा सकता है और नया हाई बना सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।